सो यहाँ पे थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे, नाश्ता तो नहीं कर सकते, आज महाशिवरात्रि है तो भाई उपवास रखा है। ये भाई उपवास की पेपर है क्या? तो क्या? तो चाय वाय पी लेंगे, बाकी थोड़ा सॉल्टेड वॉल्टेड वेफर मिल जाएगा तो वो भी खा लेंगे। ओह भाई इसकी हालत देखो। सो यहाँ पे थोड़ा चाय नाश्ता किया भाई, सिंगल रिलेशनशिप के लिए भाई। राम आश्रय इनके पापा का नाम है, इनका नाम विकास नागर है, कोई लौंडिया रहेगी बताना इनके लिए। सिंगल है दो साल से बेचारा सिंगल है। तो यहाँ से अभी मैक्सिमम 10 या 15 किलोमीटर रहेगा तुंगारेश्वर। ये मेरी पहली राइड है जिसमें मैं इतनी छोटी राइड मार रहा हूँ, वरना यूजुअली मेरी राइड रहती ही है नहीं बोल के 100 किलोमीटर या फिर 120 किलोमीटर। ओ भाई। सो ये साइड में यही डर है, अपने सिटी साइड में बस वाले और रिक्शा वाले ऐसे रहते हैं और ऐसे हाईवे पे ऐसे ट्रक वाले अचानक से लेफ्ट राइट हो जाते हैं, तो थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए। And look at the view, boss. यहाँ का व्यू देखो। अगर आपके साथ भाई ऐसा बंदा हो ना कंपनी देने वाला, तो भाई आप चलाते चलाते कहाँ पहुँच जाओ आपको खुद को ना पता चले। बस ऐसी एक अच्छी कंपनी चाहिए। बंदा बुलेट पे इतनी अच्छी चला रहा है, अगर बंदे के पास, ओ भाई साहब ये देखो कैसे रॉन्ग वे आ रहे हैं वहाँ पे ना। ओ देखो ये देखो अभी दिखता रहेगा आपको। हाय 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 क्या व्यू है बॉस। एंड हमारे रोहित भाई चालू हो गए स्नैप और स्टोरी डालने। ये पूरे गुजरात तक ऐसा ही इतना मस्त हाईवे है कि बंदा नॉर्मली भी चले तो 80-90 तो उसके लिए नॉर्मल स्पीड हो जाएगी। पूरा जो पहाड़ दिख रहा है ना आपको, दिख भी नहीं रहेगा, दिखता भी नहीं रहेगा आप लोगों को, पूरा फॉग में कवर हो चुका है। ये देखो अब आपको पहाड़ दिखते रहेंगे और वहाँ पे देखो प्यारा सा सनराइज। देखा एंड भाई कुछ भी बोलूँ, ऐसे जगह पे छोटे छोटे टपरीज रहती है चाय वगैरह नाश्ता वगैरह की, वहाँ पे चाय पीने का अलग ही फील है और अलग ही मज़ा है। एंड यहाँ से ही सीधा सीधा अपन जाएंगे तो नहीं बोल के लगभग 60-70 किलोमीटर्स बाद अहूरा होटल आता है। मैं पहले हर संडे को वहाँ पे ही जाता था राइड करने के लिए, अभी कई संडे से गया नहीं हूँ, तो ट्राई करेंगे कि ये संडे हम ज़रूर जाएँ अहूरा होटल पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बाइकर्स आते हैं, सुपर बाइक्स आती है। एंड भाई लिटरली इसके बुलेट के एग्जॉस्ट के सामने मेरी नोवा की एग्जॉस्ट की साउंड की मेरे को मतलब पता ही नहीं चल रहा है, वापस से वैसा ही लग रहा है कि भाई बैटरी वाली बाइक है। साउंड है पर ये बंदे की वजह से भाई साउंड लग ही नहीं रहा है कि साउंड है। सो यहाँ पे मिल गया साइन थोड़ा स्लो होने का। सूरत 230 किलोमीटर, चरोटी 64 किलोमीटर। सो यस अहूरा होटल जो है वो चरोटी के वहाँ पे ही है। एंड यहाँ से लेफ्ट लेके फिर राइट लेके फिर आ जाएगा अपना तुंगारेश्वर। ये कोई तेजस का फोन आया था। एंड भाई साहब यहाँ पे भीड़ देखो, आज महाशिवरात्रि है उसके वजह से भीड़ देखो खाली बॉस। ओ भाई साहब यहाँ पे तो भाई लंबी कतारों में लाइन है।
सो भाई यहाँ पे हो गया बहुत पोपट, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, तो देखो आपको बताता हूँ क्या हुआ है। कोविड रीज़न के वजह से अभी यहाँ पे किसको अंदर जाने ही नहीं दे रहे। भीड़ देखो, सो कोविड के वजह से अभी अपने को दर्शन मिले नहीं, तो अभी हम हमारे यहाँ पे छोटे मंदिर में चले जाएंगे। इच्छा तो थी वहाँ पे जाने की, पर क्या कर सकते हैं। और इतना क्राउड हो गया था ना, अगर समझ लो मंदिर चालू रहता तो भाई साहब अंदर तो कितनी ही बड़ी लाइन लग जाती। पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। पर यार बहुत दुख हो रहा है, गेट से रिटर्न आना पड़ रहा है। सो आगे एक टेंपल है, वहाँ पे देखते हैं। वैसे टेंपल तो यहाँ पे भी एक छोटा सा, ये देखो देखो। और अभी अपनी इनोवा की साउंड आपको सुनाई देती रहेगी। अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रैफिक भी बढ़ जाएगी भाई। बंदा गिरने ही वाला था अभी, क्या पता क्यों ट्रिपल सीट बिठाता है। चल खड़ी बाइक पे कैसे गिर गया है, चलते हुए समझ। अरे वो तीन जन बैठे थे ना, डिसबैलेंस होता ही है। अच्छा अच्छा। तो बस गाइस, आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और शेयर करो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक मस्त व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड राइड सेफ।